Hello students, I'm Mamta, welcoming you all to the BBVN online classes. In our previous video session, we have read about phrases, clauses, sentences, and in our today's video, we will read about nouns. We have learned many things about noun in our previous classes. So just quickly, we will revise them. सो वॉट इज अ नाउन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इन जनरल वे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. और अगर मैं अगर डिफाइन करना हो तो आई कैन से दैट अ नाउन इज अ वर्ड नेम ऑफ अ पर्सन, प्लीज a name of a person, place, thing, animal, material or emotions and ideas. Okay? तो ऐसे शब्द जो या तो किसी व्यक्ति के नाम होंगे, प्लेस के नाम होंगे, थिंग को रिप्रेजेंट करते होंगे, एनिमल्स हैं, देन मटेरियल हैं, या फिर किसी तरीके का कोई इमोशन या फिर आइडियाज हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उन्हें हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, या फिर उन वर्ड्स को ही हम क्या कहेंगे? नाउन. ठीक है, अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो लाइक राम, सीता, गीता, ऑल दिस थिंग्स आर नेम ऑफ पर्सन्स. ठीक है, देन प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, लक्ष्मणगढ़ है, देन ये सारी चीज़ें हम प्लेस में काउंट करते हैं. फिर अगर मैं थिंग की बात करूँ तो चौक है, देन ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो भी जिनमें भी जो जान है वो नहीं होती, यानी कि लिविंग थिंग्स नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें हम थिंग्स की कैटेगरीज में काउंट करेंगे. देन एनिमल्स हैं, लायंस हो गए, एलिफेंट्स हैं, डियर हैं, रैबिट्स हैं. देन मटेरियल की अगर हम बात करें, वुड है, ग्लास है. देन इमोशन की अगर हम बात करें तो एक जो ह्यूमन है उसमें इमोशंस होते हैं, लाइक लव है, हेट है, जेलेसी है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नाउन्स कहेंगे. बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, तो मेनली जो नाउन्स हैं आर ऑफ फोर काइंड्स, सॉरी जो मेनली जो नाउन्स हैं आर ऑफ फाइव काइंड्स. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन वी हैव कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द फाइव कैटेगरीज ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, एंड व्हाट इज द वन इज the first one is proper noun. Okay, proper, specific. जब हम किसी को specifically किसी person की बात करें, किसी place की बात करें, किसी thing की बात करें, किसी animal की बात करें, तो उसे हम किस में count करेंगे? उसे हम proper noun में count करेंगे. Like if I say this is a boy. Okay, so यह लड़का है. इससे मुझे कोई स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही है. बट इफ आई से दिस इज अभिजीत, ओके, सो मुझे पता चलता है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में कि ये कौन है? अभिजीत है. ठीक है, ये हमारा हो गया नाउन. एंड कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन. वाई सो? क्योंकि पर्टिकुलरली किसी पर्सन का नाम दिया गया है. ठीक है, तो पर्सन का स्पेसिफिकली हमें नेम प्रोवाइड कर रहा है. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ प्लेस की, प्रॉपर नाउन क्या? अब नाउन जो है उसमें हम ये सारी चीज़ें तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मटेरियल या फिर इमोशन. ठीक है, इन सब चीज़ों को तो हम काउंट करेंगे ही, बट स्पेसिफिकली अगर आपको कोई जो है
पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम दिया जा रहा है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अगर सेंटेंस, तो वो वर्ड जो रहेगा वो जो है प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जो है काउंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेस की बात करूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई. ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस की बात हो गई, दैट इज़ मुंबई. तो इस सेंटेंस में जो नाउन है वो मुंबई है, और मुंबई जो है वो कौन क्या है, प्रॉपर नाउन है. क्यों है? क्योंकि वो पर्टिकुलरली हमें बता रहा है कि वो कौन से प्लेस की बात कर रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा फर्स्ट वर्ड, आप देखिए एज जो है वो भी कैपिटल में है और एम जो है वो भी कैपिटल में है. इट मीन्स प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो हमेशा क्या करे जाते हैं, फर्स्ट वर्ड उनका जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है. हमें जो है स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली बताते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो उन्हें हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं. ओके, प्रॉपर नाउन जो है इंक्लूड किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ. Persons, then places को काउंट करता है, then countries का जो नाम है वो भी हमेशा हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं, towns के जो नाम हैं वो भी हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं, जो कैपिटल्स हैं उन्हें भी हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं, then rivers के जो नेम हैं वो lakes हो गई, लेक्स के नाम हो गए, देन हमारे जो हैं सीज के नाम हो गए, माउंटेन्स के नाम हो गए, क्योंकि पर्टिकुलरली ये एक ही रहते हैं, देन हमारे जो मंथ्स जो हैं उनके नाम हो गए, ठीक है, नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक वो सब हो गए. तो इन सारी चीज़ों में जो है हम जो है प्रॉपर नाउन जो है उसी में इन चीज़ों को काउंट करते हैं. जैसे मुझे किसी रिवर का नाम देना हो, द गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, रावी एक ही है. फिर अगर मैं बात करूँ सीज की तो उसमें भी, ठीक है, माउंटेन्स की बात करूँ, टाउन्स की बात करूँ, कंट्रीज़ की बात करूँ, तो मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर मैं काउंट करूँगी प्रॉपर नाउन को. फिर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप की, दैट इज़ आर कॉमन नाउन. कॉमन मतलब जनरल, ठीक है. सो कॉमन नाउन जो है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन टू एवरी क्लास और काइंड. ओके, यानी कि किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. देखिए इसमें भी हम मेनली यही चीज़ें काउंट करेंगे नाउन्स में. तो अगर प्रॉपर नाउन में हमने क्या किया, जैसे किसी पर्सन के नेम की बात की थी, यहाँ पर अगर मुझे कॉमन नाउन में पर्सन की बात करनी हो तो मैं लिखूंगी डॉक्टर, फार्मर, ठीक है, कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर. यहाँ पर जो डॉक्टर वर्ड है वो तो क्या हो गया, कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ अभिजीत is a doctor. Okay. So यहाँ पर अभिजीत जो हो गया वो तो हो गया proper noun, और जो doctor है वो हो गया हमारा common noun. ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है animal को भी categorize कर सकते हैं. With an example हम लोग इसको देखते हैं. अगर मैं animal की बात करूँ तो animal में आप किसको count करेंगे, dog हो गया, लाइन हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट हो गया. सो अगर मैं लिखूँ दिस इज अ डॉग, तो डॉग यहाँ पर किस चीज़ को कम काउंट कर रहा है, जनरल डॉग्स को काउंट करेगा, उनकी पूरी कम्युनिटी को. लेकिन अगर मैं लिखूँ दिस इज प्लूटो, डॉग का नाम मैंने लिखा है प्लूटो, तो ये प्लूटो जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. क्यों हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, प्लूटो की, जो कि एक पेट डॉग है. ठीक है, इसी तरीके से हम
चीज़ों में भी कॉमन नाउन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो कॉमन जो हो गया वो क्लास और काइंड हो गया। जैसे अगर मैं बात करती हूँ किसी मटेरियल की, ठीक है, तो जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, तो वो हमारे किस में काउंट होंगे, मटेरियल ही है, थिंग ही है, एक तरीके से कॉमन नाउन में काउंट हो गए। फिर मैं बात करूँ किसी प्लेस की, अब प्लेस में मैंने बात की फोर्ट की, ठीक है, गढ़ की बात की मैंने, तो फोर्ट अगर मैं लिखती हूँ दिस इज अ फोर्ट, इट इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ दिस इज रेड फोर्ट, तो इट इज प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलरली मैंने किसकी बात की यहाँ पर, कॉमन नाउन की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन आई से दैट आई एम गोइंग टू मेन मार्केट और आई एम गोइंग टू सिकरिया मार्केट, सो दैट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं किसी मार्केट में स्पेसिफिकली जा रही हूँ, ठीक है। फिर अगर हम जो है जनरली बात करें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि थिंग्स की, तो जैसे कि हो गया टेलीविजन, हो गया एसीज, हो गए कूलर, फ्रिज, ये सारे चीज़ें क्या आती हैं, ऑब्जेक्ट में काउंट होती हैं, जिन्हें हम कॉमन नाउन में काउंट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो मैंने आपको बताया एलिफेंट, लायन जो हैं वो कॉमन में हो गए, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली उनको नाम दे देते हैं तो वो फिर प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाते हैं। सो कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है उसमें डिफरेंस जो है यही है कि ये तो जनरल कॉमन टू एवरी क्लास और काइंड की बात करता है, जनरल वे में बात करता है, और प्रॉपर जो है वो एक स्पेसिफिक वे में बात करता है। सेकेंड थिंग, हम अगर काउंट करें तो कॉमन नाउन जो है, आप देखिए डॉग हो गया, तो डी यहाँ पर स्मॉल लेटर में है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नहीं आता है। इन केस ऑफ हम जो है यहाँ पर इसको प्लेस कर देते सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली डी जो है वो कैपिटल में आता। या फिर अगर हम किसी टाइटल की बात करें लाइक मिस्टर शर्मा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ कैपिटल में आती। अदरवाइज कॉमन नाउन जो है वो जनरली हमेशा सिंपल सेकेंड जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसमें आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की तो इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ फोर्ट, तो यहाँ पर अगर कॉमन नाउन होगा तो F जो है वो कैपिटल में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको रेड फोर्ट में काउंट करूँगी तो F जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। सो आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में, व्हाट इज़ अ नाउन, पर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल और एनी आइडियाज और इमोशंस। और हम जो है इसमें दो कैटेगरी की हमने आज बात करी, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन एंड द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। एंड आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड डू द वर्क। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।